बद्दी के लोधीमाजरा में दो कंपनियों में अचानक आग लगी, जिसे दमकल विभाग की चार गाड़ियों और दो निजी कंपनी की गाड़ियों सहित आग पर काबू पाया गया। फायर अधिकारी पीर सहाय कोंडल ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें सूचना मिली कि लोधीमाजरा में जिंदल प्लास्टिक पर सूर्य एम्बायरो टायर बनाने वाली कंपनी में अचानक आग लग गई, जिसको छह गाड़ियों की सहायता से आग पर काबू पाया गया। बद्दी के लोधी माजरा में दो कंपनियों में अचानक आग लग गई, जिसे दमकल विभाग की चार गाड़ियों और दो निजी कंपनी की गाड़ियों सहित आग पर काबू पाया गया। फायर अधिकारी पीर सहाय कोंडल ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह 5 बजे उन्हें सूचना मिली कि लोधी माजरा में जिंदल प्लास्टिक व सूर्य एम्बायरो टायर बनाने वाली कंपनी में आग लग गई है, जिसको छह गाड़ियों की सहायता से आग पर काबू पाया गया। उन्होंने बताया कि इस घटना में कोई जानी माल का नुकसान नहीं हुआ है और अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है। मैं पीएस कोंडल, फायर ऑफिसर। आज सुबह 5:25 पर बद्दी फायर स्टेशन में सूचना मिली कि आग जो है लोधी माजरा में लगी है, तो बद्दी फायर स्टेशन से तुरंत एक वाटर टेंडर घटनास्थल के लिए रवाना हुआ और उसके पश्चात जब वहाँ से मैसेज आया कि आग ज़्यादा लगी है, तो बद्दी फायर स्टेशन से एक वाटर टेंडर और भेजा गया और साथ ही जो है नालागढ़ फायर स्टेशन से भी दो वाटर टेंडर अग्नि घटना के लिए रवाना हुए। और एक जब चारों गाड़ियां जो है केस पर पहुंची, वहां देखे कि बहुत सारी आग लगी हुई थी, उसके पश्चात जो है हमने जो है एक गाड़ी टीवीएस से और एक गाड़ी जो है वर्धमान कंपनी से मंगवाई, तो आग में छः गाड़ियाँ जो है काम कर रही थी। लगभग 5 घंटे की मुशक्कत के बाद जो है आग पर पूर्ण काबू पा लिया गया। ये दो कंपनी थी, जिसमें एक कंपनी का 1,60,000 का नुकसान हुआ और दूसरी कंपनी का लगभग 20 लाख का नुकसान हुआ और बचाई गई संपत्ति लगभग 2.5 करोड़ जो है आसपास की जो है फैक्ट्री थी, उन्हें जो है बचा लिया गया। कार्यक्रम में वक्त चला है छोटे ब्रेक का, ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।